नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 69 चैनल और मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। रांची क्षेत्र में नगर निगम मद से किए जा रहे कार्य का भूमि पूजन विधायक अशोक रोहाणी द्वारा किए जाने पर रांची क्षेत्र की जनता का कहना है कि पूरे कार्यकाल में विधायक लापता रहे, वहीं जब चुनाव आया तो ई रिक्शा में बैठकर सड़क की गुणवत्ता की जांच करने निकल पड़े। क्षेत्रवासियों ने महापौर जगत बहादुर सिंह अनु से यह बातें उस समय कही जब वह रांची क्षेत्र में महापौर द्वारा दी गई सड़क के लिए धन्यवाद ज्ञापित करने पहुंचे थे। इसके साथ ही उन्होंने रांची क्षेत्र के अन्य 10 मार्गों पर सड़क निर्माण की सूची भी सौंपी, जिसको लेकर महापौर जगत बहादुर सिंह अनु का कहना था कि एक माह के अंदर यह स्वीकृत कर दी जाएगी। वहीं विधायक अशोक रोहाणी द्वारा सड़क निर्माण की गुणवत्ता की जांच ई रिक्शा में बैठकर किए जाने पर महापौर का कहना था कि 15 वर्षों बाद विधायक अगर आज ई रिक्शा पर नगर निगम द्वारा बनाई सड़क का निर्माण कार्य का जायजा लेने पहुंचा है तो उसकी मजबूरी है। राजी केबल ऑपरेटर शिव यादव का कहना है कि क्षेत्र के विधायक से उन्हें विकास की कोई आस नहीं है, इसलिए वे महापौर से सड़क निर्माण की मांग करने पहुंचे हैं। जबलपुर से न्यूज 69 के लिए वाजिद खान की रिपोर्ट। आज रांची की तमाम जनता माननीय महापौर जी को धन्यवाद देने भी आई थी और बरसों से वहाँ का यातायात रोड जो गड्ढे वड्ढे हो गए थे, सारी रोडें उखड़ गई थी, तो महापौर जी ने तत्परता से वहाँ काम किया और फिर एक सुगवाहट चली। ये किसकी है किसकी नहीं है, विकास कार्य सबके भले के लिए है, जनप्रतिनिधि सबके होते हैं, सुनने के बाद वो फिर दलों में नहीं आते। निश्चित रूप पर जनता ये भी देख रही, कैंट की जनता, कि आज अचानक ऐसा क्या आन पड़ा है, ऐसी कौन सी विपदा आपत्ति मुसीबत आ गई है कि आज वो जनप्रतिनिधि कोई ऑटो में घूम रहा है, कोई टू व्हीलर में घूम रहा है, ये बताने जनता सब समझ रही है। हम तो माननीय महापौर जी को एक ज्ञापन और लेके आए थे, वहाँ पे 10-11 मार्ग और जो हैं जिनको जो प्रस्तावित है बनना है, इनके प्रयासों से मुझे लगता है इनने कहा एक महीने के अंदर बन जाएंगे तो वो भी बन जाए। और दूसरा ये है कि जो रोड डामरीकरण जो हुई है उसमें थोड़ी बहुत जो मिस्टेक है, गलतियां हैं, उनको लेके जो चर्चा चल रही है, हमने ज्ञापन दिया है जो भी संस्था और जो भी ठेकेदार इसमें जिनने काम किया है अगर वो गुणवत्ताहीन है तो आप उसको पनिश करने का काम करो, जिससे आगे रांची की जो भी विकास कार्य हो वो गुणवत्ता प्रधानता से हो, कहीं कोई जो त्रुटि ना आए। माननीय महापौर जी ने इस बात को स्वीकार किया, ज्ञापन पत्र लिया और हमारी जो 10-11 मार्ग और हैं उनको भी एक महीने के अंदर उन्होंने स्वीकृत करने की बात करी है। मैं एक बानगी और बताना चाहता हूँ, आज माननीय विधायक जी गोकलपुर वार्ड में बगैर पार्षद के 1 करोड़ कुछ लाख का जो भूमि पूजन करके आए हैं, ये जो चीज़ें हैं ये अच्छी नहीं हैं। अगर वहाँ गए थे तो उन्हें क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि का मान रखना चाहिए और उनको ही बुला के जो है फिर वो भूमि पूजन करते। अब ये भी देखना पड़ेगा कि वो जो नाले का भूमि पूजन करके गए हैं वो किस मद से, नगर निगम का पैसा है, निगम मद है, और निगम मद में जो है निगम के उस निर्वाचित सदस्य को किनारे करके आप भूमि पूजन करके आ रहे हो, तो ये मुझे लगता है कि ये सीधा सीधा राजनीतिकरण है और क्षेत्र की जनता जान रही है। यही कारण है कि आज उन्हें ऑटो में घूमना पड़ रहा है, कहीं टू व्हीलर में घूमना पड़ रहा है, तो ये हम बता रहे हैं। करना चाहिए, क्षेत्रीय विधायक है उनको भी घूमना चाहिए, उनको भी देखना चाहिए, पिछले 30 सालों से देखना चाहिए था, पिछले 15-18 सालों से देखना चाहिए था, आज देख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। देखिए जब शहर में क्रांति आती है, खलबली होती है, तो सब सक्रिय होते हैं, होना चाहिए, ऑटो में घूमें, पैदल भी घूमिए, सबको लेकर घूमिए, कांग्रेस जनों को भी लेकर घूमिए, भारतीय जनता पार्टी लोगों के साथ साथ क्षेत्रीय जनों को लेकर घूमिए, लेकिन ये ज़रूर से बताइए कि ये काम नगर निगम ने किया है, नगर निगम की महापौर की पहल पर ये काम हुआ है। माननीय विधायक जी ये ज़रूर से सबको बताइए। चुनाव पास में है क्या पॉलिटिक्स की कोशिश, मुझे नहीं पता उनको उन्होंने क्या माइलेज लेने के लिए किया है, जो भी किया है सत्यता उनको बताना चाहिए और बिल्कुल निरीक्षण करना चाहिए, जाना चाहिए, आना चाहिए, उस क्षेत्र के विधायक हैं उनको पहुंचना चाहिए, उसमें मुझे किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है, परंतु काम अगर नगर निगम से हुआ है तो ये सबको बताना चाहिए कि मुख्यमंत्री अधोसंरचना के 80% उस पैसे से काम हो रहा है जो सरकार ऋण देती है और नगर निगम से वापस ले लेती है, मतलब उसका टेंडर भी नगर निगम से हुआ है, वो पैसा भी उसका भुगतान आज होगा, 21 में टेंडर हुआ था, अभी तक वो काम नहीं हो पाया, हम लोगों ने उस काम को कराया, भुगतान आगे होगा जो नगर निगम अपने पास से करेगी, या प्रदेश से भी कोई अगर पैसा आता है तो मुख्यमंत्री जी सबके हैं, सिर्फ किसी एक पार्टी के नहीं हैं, पैसा नगर निगम में आएगा, नगर निगम ने काम कराया है, नगर निगम भुगतान करेगा, आप भी घूमें, मैं भी घूमूंगा, सब घूमेंगे, फैसला जनता करेगी, लेकिन सच ज़रूर बोलिए कि काम नगर निगम ने कराया है। क्षेत्र के अंतर्गत रांझी के आसपास की डामलीकरण की सड़कों का कार्य कुछ दिन पूर्व कराया गया, यह कार्य
मुख्यमंत्री अधोसंरचना से 2021 में टेंडर हुआ था, वर्क ऑर्डर हुआ था, परंतु राज्य सरकार से मुख्यमंत्री अधोसंरचना का पैसा नहीं आने के कारण ये कार्य नहीं हो पा रहा था। मुख्यमंत्री अधोसंरचना में राज्य सरकार का सिर्फ 20% होता है, बाकी का ऋण होता है जो नगर निगम चुकता करता है। मतलब 80% पैसा मुख्यमंत्री अधोसंरचना का नगर निगम का होता है। तो वह जो काम हुआ है वो नगर निगम के मद से हुआ है, या अगर किसी योजना का राज्य सरकार का पैसा भी उसमें आएगा तो काम नगर निगम से हुआ है, उसमें एजेंसी नगर निगम है और नगर निगम ने ही उस काम को कराया है। वर्षों से, दशकों से वहाँ पर काम नहीं हो रहा था, लोग हैरान परेशान थे। मैं लगातार जाता था वहाँ के क्षेत्र के, हमारे कांग्रेस के नेतागण भी और हमारे वहाँ के क्षेत्रीय नागरिक भी इस बात को बार बार बोलते थे। तय करके हम लोगों ने वहाँ पे डामलीकरण का कार्य कराया। आज वहाँ के हमारे वरिष्ठ कांग्रेसजन और क्षेत्र के बहुत सारे नागरिक यहाँ पर उपस्थित हुए और उनका कहना ये था, उन्होंने आभार भी व्यक्त किया, मुझे बधाई और आशीर्वाद भी दिया। साथ में कुछ जगह जहाँ पर गुणवत्ता की कमी है उस सड़क में, उसके लिए निरीक्षण के लिए भी कहा है, निश्चित तौर पर निरीक्षण करूँगा और गुणवत्ता में कहीं कमी होगी तो उस पर कार्रवाई भी होगी। और उसके अलावा उन्होंने कुछ मुझे सड़कें बनाने की बात कही है, जो लगभग 8-10 सड़कें हैं, 2-3-4 करोड़ रुपए के आसपास की होंगी। मैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि 1 माह के भीतर ये सारी सड़कों का काम शुरू हो जाएगा और रांची क्षेत्र की जनता को, कैंट विधानसभा क्षेत्र की जनता को, जो काफ़ी लंबे अरसे से विकास के कारण नहीं मिल पाए, अब करोड़ों की संख्या में विकास कार्य उनको निश्चित तौर पर मिलेंगे। अंबेडकर पार्क की बाउंड्री वॉल का काम हो, चाहे हमारे पार्षद राजेश यादव जी यहाँ के नाले का कार्य हो, यह सब नगर निगम से हम लोगों ने स्वीकृत किया है, वर्क ऑर्डर किए हैं, ये सभी काम चालू होंगे। हम लोग भूमि पूजन पे बहुत भरोसा नहीं करते। आपने देखा होगा जबलपुर शहर में करोड़ों के, अरबों के काम हो गए, 200 करोड़ से ज़्यादा के सड़कों के काम हो गए, लेकिन जगत बहादुर सिंह अन्नू आपने कहीं लिखा हुआ नहीं देखा होगा, क्योंकि हम लोग नाम लिखवाने में भरोसा नहीं करते, काम करवाने में करते हैं। ये विकास की गंगा बहती रहेगी। रांची क्षेत्र के जो कांग्रेसजनों ने मुझे आज आशीर्वाद और धन्यवाद दिया, उसके लिए मैं उनको साधुवाद प्रेषित करता हूं और जो उन्होंने मांग की है निश्चित तौर पर उसको बहुत जल्द पूरी किया जाएगा। और निरीक्षण करके गुणवत्ता को भी देखकर अगर कोई कमियां होंगी तो ठेकेदार और अधिकारियों पर निश्चित तौर पर कार्रवाई भी की जाएगी। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज 69 चैनल। जब तक के लिए धन्यवाद।